हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। पाकिस्तान क्रिकेट थू है पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर, इनकी इनके कुत्ते के, मैं क्या बोलिए, खबीस हो ये जितने क्रिकेट फैंस है ना पाकिस्तान में, उनके दिल बड़े टूटते हैं। हमें थ्रू आउट बताया गया जी, न्यूजीलैंड की टीम डी टीम है, देखिएगा क्या। पाकिस्तान को मिरर दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, ये देखो शीशे में अपनी शक्ल देखो, अपनी वर्ल्ड क्लास की नारे देखो, अपने वर्ल्ड क्लास के टैग्स देखो। ये किंग के तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, सालो घटियो गटर, मुख्य में क्रिकेट खेलने वालों शर्म से डूब मरो। अब तो बड़ी शर्म ही आ रही है कि यार न्यूजीलैंड टीम वो टीम से हार गए जो कि जॉय ट्रिप पे ही आए हुए ना एक तरह से, और हम लोग तो तैयारी ऐसे की हुई है इस न्यूजीलैंड की सीरीज की मादरत के साथ। सबसे बड़े सूरमा बाबर और रिजवान खेलते हैं, तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल ही निठल्ली टीम थी, बच्चों की टीम थी, जिनको हमने पहले आज से कभी खेलते देखा नहीं था सिवाय मार्क चैपमैन के, और वही मार्क चैपमैन ने यकीन करो ऐसे चमाटे मारे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर। और हम सोच रहे थे कि अभी इनकी बड़ी एक फिटनेस ट्रेनिंग भी हुई है, अब क्रिकेट चेंज हो गया, पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250 रन बन रहे हैं। न्यूजीलैंड के बच्चों ने हमारा बजा के रख दिया घंटा, ठोक दिया हमारे कप्ताना, हमारे किंग, हमारे बॉब्सी, हमारे दिलों के बादशाह, उसका घंटा बजा के रख दिया है। पाकिस्तान का मैच हो इंडिया से और विराट कोहली मारना लगाए पाकिस्तानी बॉलरों पे, ऐसा हो नहीं सकता। और किस तरह से सभी को पता है पाकिस्तान के एक ही बाप और एक ही अब्बू है विराट कोहली, जिस तरह से विराट कोहली इतने टाइम से रन बनाते हुए आया पाकिस्तान के खिलाफ, उससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। और वही मार्च चैंपियन भी इसी स्तर में खड़ा होता है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान उसके सामने आती है वो ऐसी इनिंग खेल जाता है कि अपनी टीम को जीत जिता देता है। वो अभी देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को जिताया है, 42 गेंद में 87 रन बनाए उस बंदे ने, 200 की ऊपर की स्ट्राइक रेट थी उसकी। वही पिछली बार भी जब न्यूजीलैंड की बी टीम आई थी, मार्च चैंपियन ने शतक मारा था और मैच जिताया था उसने अकेले दम पे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ए टीम नहीं भेजता, क्योंकि पता है किस कैलिबर के प्लेयर है, सब अपने बी टीम सी टीम भेजते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ही सारी टीम आजमाती है अपने नए प्लेयर, कोई भी इनकी टीम को सीरियस नहीं लेता, सिर्फ इनकी मीडिया वाले ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि वही वर्ल्ड चैंपियन बताते हैं अपनी टीम को, वर्ल्ड चैंपियन बॉलर ही बताते हैं अपनी टीम को। और इनका हर जगह ऐसी हाल होता है इतनी बुरी तरह, या वर्ल्ड कप हो या सीरीज हो, इनके बॉलर की बजी पड़ी रहती है। बैट्समैन तो वैसे ही इनके निकम्मे थे, बॉलर भी इनकी उसी कैलिबर के, सिवाय मोहम्मद आमिर को जो एक अच्छा बॉलर है, वरना इनकी टीम में ऐसा कोई बॉलर नहीं है मैच जिता दे। अब तो इनकी किरकिरी हो गई जब न्यूजीलैंड की डी टीम ने हरा दिया ने इतनी बुरी तरह से, पाकिस्तानी मीडिया भी इनको लपेटे में ले रही है इनकी टीम को। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। उनकी बैटिंग और देख ले आज क्या किया न्यूजीलैंड ने, आपको नंगा करके, आपको पूरे दुनिया में, आपकी क्रिकेट, आपके पीसीबी, आपके बेशरम बेहया, ये क्रिकेट खिलाएंगे, इतनी इतनी कालक माल दी। देखे जिम्बाब्वे से 2022 में आप हारे, जिम्बाब्वे की टीम पूरी थी, आप तो गली मल्ले के बच्चे थे, कल आप जब जीते हैं आपके जो फ्रेंचाइजीज के चाटू हैं, कोई मैनेजर है हरामखोर, कोई कुछ है, वो इतने ट्वीट्स कर रहे, ओए बाबर और फलाने जलमी के, फलाने और फलाने हलमी के, ढिमकाने ढिमकाने कलंदर के, ये अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, ये सुल्तान के, वो ग्लैडिएटर के, ये किंग के, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, सालो घटियो गटर, मुख्य में क्रिकेट खेलने वालों शर्म से डूब मरो। चैपमैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम हिम, 178 रन उसने बत्ती बना के पूरे पीसीबी। बाबर कल जब जीते तो कह रहे थे कैप्टन बाबर आया जीत आ गई, आज क्या कहोगे, तुम्हारा बाप आया तो हार हार गई, आज तुम्हारे शाहीन नसीम इफ्तिखार शदाब इब्रार सबको खोल खाल के न्यूजीलैंड के अकेले चैपमैन ने तुम्हारी क्रिकेट की रियलिटी दिखाई। मार्क चैपमैन भाई साहब ने इससे पहले भी पिछले साल भी यही हाल किया था हमारा, और इस बार भी यही हो रहा है भाई। कहां से उन्हें, फिर क्यों उन्हें आपने डी टीम में रखा हुआ अगर वो ये हाल कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम का। पूछ रहे हैं ये डी टीम में, ए टीम आ जाती फिर क्या होता। तो कीवी टीम ने 179 रन का अदब 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैच किस तरह हुआ। अब हमारा मैच जो दूसरा होना है बस उसके लिए फिर आप दुआ भी करें, आप ये ना सोचें कि सिर्फ हम टीम पे रिलाई कर लेंगे, दुआ भी करें। टीम को खराब कर दिया, पहला मैच जीतने के बाद लोगों ने बोला बनी बनाई टीम वापस आ गई, कौन सी बनी बनाई टीम, ये बनी बनाई टीम जो 2021 में लास्ट टाइम बायलेटरल सीरीज जीती हुई है, 2021 दिसंबर के बाद इन्होंने कोई बायलेटरल सीरीज नहीं जीती हुई, एक बीच में ट्राई सीरीज जीती। देखिए आप ये बातें छोड़ दीजिए, आप लोग निल बटा निल हैं, आप लोग दुनिया की क्रिकेट देखें कि ट्रेविस हेट और दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है, हेनरिक क्लासन, दुनिया के बल्लेबाजों को आप अपने पड़ोस में देखें और आप अपने आप को देखें कि आप किस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं। देख ले अभी इस मैच में देख ले, मतलब
एकदम से लगा जैसे मार्क चैपमैन के आते ही क्या पिच बदल गई। मार्क चैपमैन के घर वालों को भी नहीं पता होगा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा। हम तो तरस गए हैं ये देखने के लिए कि कब कोई हमारा लड़का जो है शादाब खान खेल के गया ना खेलेगा। एक शादाब खान ने वो इंटेंट दिखाई जिस इंटेंट को हम बार बार कहते हैं, वो भी 5 मैन के बॉलिंग अटैक में 2 डेब्यूटेंट्स थे, आखिर में वो डेथ में अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, इसी वजह से रिकवरी हो गई, वरना ये आपको 160 पढ़ना करने देते। इन्होंने जो आपको 18वें ओवर 19वें ओवर में हराया या आपको कोई 16-17 ओवर में हरा के जाते, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट देखता है बच्चे बच्चे को पता है कि रावलपिंडी में कोई भी टारगेट सेफ नहीं होता, स्पेशली जब ड्यू गिर रही हो और बाबर खड़े हुए टॉस पे कह रहे हैं 180 हो जाए 190 हो जाए हम जीत जाएंगे, लो जी 180 हो गया जीत गए आप। मसला ये है कि आपकी सोच ही मीडियोकर है, आपकी आपका माइंड सेट ही लिमिटेड है, आप एवरेज क्रिकेट खेलने से ऊपर कभी सोच ही नहीं सकते। और बड़ी खुशियां, न्यूजीलैंड आ रहा है, पाकिस्तान जीतेगा, वर्ल्ड क्लास, एक मोहम्मद आमिर आपके बॉलिंग अटैक से निकला, आपका बॉलिंग अटैक टाइट खुश हो गया। देते हैं वो ऐसी बॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे और कमर्शियल पे ज्यादा ध्यान है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईपीएल से सीखना चाहिए। आईपीएल में बैटिंग पावर में 120-125 रन बन रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170 रन बना रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है न्यूजीलैंड की सी टीम मैच जीत के चले गई, लग गया फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां खड़ी है, क्या पाकिस्तान के पास ये खिलाड़ी रह गए? आप मुझे बताइए, एक अनफिट खिलाड़ी खेलने में फिर बाबर की खुद की कारकर्दगी क्या थी? 2 ओडीआई में गैर मियारी बैटिंग की, इतनी कमजोर टीम के सामने इन्हें क्या हो गया? ये जो भी लूप होल्स हैं हर 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 सेक्टर में ही है, भले फील्डिंग ले ले, भले बॉलिंग ले ले, भले बैटिंग ले ले, इनको काम करना पड़ेगा और बाबर को अपनी कैप्टनसी पर गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल आप ठीक आके चार्ट में टीम नजर नहीं आएगी। तुम्हें पता है कि रावलपिंडी की पिच है, इसके ऊपर हमें चाहिए कि कम से कम हम 220-230 बनाएं। पीएसएल में तो बन रहे थे, यहां पर क्यों नहीं बन रहे? नहीं, पीएसएल में तो बन रहे थे ना, वहां पर तो आप कह रहे थे हमारे पास बॉलर भी अच्छे हैं, पीएसएल की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, पीएसएल की बॉलिंग का स्टैंडर्ड आईपीएल से बेहतर है, पीएसएल के बॉलर जो है वो ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर न्यूजीलैंड के जो तुम्हारे बॉलर थे, तुम्हारे बाप लगे हुए, इनको इतनी इज्जत दी जा रही थी कि हर बॉल डॉट की जा रही थी। बाबर आजम साहब माशाल्लाह 29 बॉलों में 37 रन, एक्सीलेंट, 117 का स्ट्राइक था, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की है, और आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, नॉट लेजेंड, इट्स लेजेंड बाबर आजम साहब जो हैं वो भी 37 रन कराओगे। रिजवान भाई 21 बॉलों में 22 रन, कितने 21 बॉलों में 22 रन, यार बेगैरती है ये तो, ये तो सरासर कहूंगा बेगैरती है। टी20 क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं ये लोग।